1999 में एलोन मस्क ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 10 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के साथ X.com नामक कंपनी शुरू की। बाद में यही कंपनी फेमस पेमेंट सिस्टम कंपनी पेपल बनी, जिसे 2002 में ईबे ने 105 बिलियन डॉलर्स में खरीदा। अब इस डील की वजह से एलोन मस्क को 165 मिलियन डॉलर्स मिले। एलोन मस्क चाहते तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ बिता सकते थे, लेकिन तब इनका पागलपन शुरू हुआ। इन्होंने लगभग 100 मिलियन डॉलर स्पेसएक्स में डाले और लगभग 70 मिलियन डॉलर टेस्ला में डाले। तब लोग इन्हें पागल कहने लग गए थे, लेकिन वही पागल बंदा 70 मिलियन डॉलर से 40 बिलियन डॉलर बना के आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। गाइज, है ना ये पागलपन? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज, जापानीज लोग टेक्नोलॉजी में तो आगे हैं, वो लोग नेचर का भी पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि नेचर है तो इंसान का अस्तित्व है, बिना नेचर के इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अब इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, वहां पर एक न्यूज़पेपर चलता है जिसका नाम है ग्रीन न्यूज़पेपर। अब क्या खास बात है इसकी, आप लोग जान के हैरान रह जाएंगे। उस ग्रीन न्यूज़पेपर के अंदर छोटे छोटे से बीज डाले हुए होते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर को पढ़ के उसे मिट्टी में दबा देंगे तो उसमें से पौधे उगाएंगे। ओह माय गॉड, है ना अमेजिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, जहां एक और कोरोना और कोरोना के डर के चलते हम लोग घर बैठ गए, हमारा धंधा पानी सब बंद हो गया, अब कहीं जाके हम लोग एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत इत्मीनान से। वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार इसी कोरोना काल में एक फिल्म शुरू करते हैं और उसे खत्म करके भी आ जाते हैं। जी हाँ गाइस, अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम दुनिया की ऐसी पहली फिल्म बन गई है जिसकी शूटिंग कोरोना काल में ही शुरू की गई और कोरोना काल में ही इसकी शूटिंग खत्म भी कर दी गई। ओह माय गॉड, और इसके लिए अक्षय कुमार ने पूरी टीम को धन्यवाद कहा है। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, और कुछ ऐसा ही किया यूपी के वाराणसी की 75 साल की अमरावती देवी ने अपने बेटे के लिए, जिसका बेटा आज से 4 साल पहले फ्रूट की गाड़ी लेके नेपाल जा रहा था, लेकिन रस्ते में ही सामने वाली गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया और सामने वाले की मौत हो गई। तब नेपाल पुलिस ने उस बेटे को पकड़ लिया, लेकिन बेटे का नेपाल पुलिस से ये कहना था कि एक्सीडेंट उसकी वजह से नहीं बल्कि पीछे से आने वाली गाड़ी की वजह से हुआ, लेकिन नेपाल पुलिस ने इसका यकीन नहीं किया और उसे जेल में डाल दिया। अब जेल से बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन उसके लिए 7 लाख रुपयों की जरूरत थी, जो कि उस बूढ़ी माँ के पास नहीं थे। फाइनली ये बूढ़ी माँ एक तख्ती पर अपने बेटे की रिहाई की गुजारिश लेके वाराणसी की सड़कों पर 4 साल तक घूमती रही, और फिर इस माँ के 4 साल का संघर्ष काम आया और पीएचयू के छात्रों की मदद से नेपाल से उसके बेटे को रिहा करवाया गया। आपको इस माँ के संघर्ष की कहानी कैसे लगी, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।